नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंट्री की करेंसी क्या होती है, इंडिया की करेंसी क्या है और करेंसी का यूज़ क्या होता है और कैसे कैसे जो है इसमें टर्म आते हैं और इंडिया की जो करेंसी अभी जो चल रही है उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये चैनल हमारा एग्ज़ाम सभा है जिसमें हम आपको आरआरबी जेई, एसएससी जेई और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए उनकी तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इस पर कई सारे वीडियो हम जो है अपडेट करते रहते हैं जिससे आपका जो है जनरल स्टडीज़ का पोर्शन और जो मैकेनिकल के और भी लेक्चर आते हैं उनका भी आप देख सकते हो वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन करेंसी है उसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर करेंसी की। तो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ करेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो करेंसी एक तरह से एक प्रोटोटाइप होती है किसी भी कंट्री का, जो मनी होती है उसका, क्योंकि करेंसी जो होती है वो गारंटर होती है कि आप कोई भी चीज़ जो है उस कंट्री में बाई कर सकते हो इस चीज़ को पे करके। तो करेंसी एक तरह से जो है गवर्नमेंट का जो है प्रोटोटाइप होती है जो गवर्नमेंट देती है अपने को एज अ गारंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो अपनी करेंसी है इंडियन करेंसी है इसको अपन रुपया बोलते हैं और इसका सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पे, जो रुपया का सिंबल होता है वो एक आर लिखा हुआ है और इसको जो है ऊपर से काट दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो कि ये 3/4 हो सकता है या 1/6 हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो इंडियन करेंसी है उस पर महात्मा गांधी जी का जो है फ़ोटो लगा हुआ है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि जो इंडियन करेंसी है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड में लिखा गया है कि द फर्स्ट यूज़ ऑफ पेपर करेंसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 806 AD इन चाइना। तो आपका जो पहली बार पेपर करेंसी का यूज़ हुआ था वो आपका 806 AD में जो है चाइना में हुआ था। एडी का मतलब क्या होता है, जो आफ्टर क्राइस्ट यानी जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके 806 साल बाद जो है चाइना में पहली बार पेपर का यूज़ हुआ था। उस टाइम पे इसको एज अ फ्लाइंग करेंसी के रूप में यूज़ किया गया था। उसके बाद जो है आपका दूसरा है कि फर्स्ट टाइम सिल्वर कॉइन इश्यूड बाई शेर शाह सूरी नेम्ड एज रुपया। तो पहली बार जो है इंडिया में रुपये का यूज़ हुआ था एज अ कॉइन वो हुआ था आपका शेर शाह सूरी जो थे अफगान रूलर था उसके टाइम पे हुआ था और ये आपका था 1540 से 1545 के बीच में इसका जो है शासनकाल था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंडिया में जो भी करेंसी छपती थी पहले आज़ादी के पहले की, उस टाइम पे जो करेंसी छापती थी उसका जो है अधिकार कई सारी जो है बैंक्स उनके पास था। क्योंकि पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसके पास जो है करेंसी का अधिकार नहीं था। लेकिन जो आपका है पेपर करेंसी एक्ट जो है 1861 में जब आया तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश थी उसने जो है पेपर करेंसी को छापना स्टार्ट कर दिया। तो जो पेपर करेंसी एक्ट 1861 के पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, ये सभी जो बैंक हैं पहले ये जो है नोट छापते थे। लेकिन बाद में जब पेपर करेंसी एक्ट 1861 आया तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी मोनोपोली हो गई और सिर्फ उसी को अधिकार था कि वो जो है आपका पेपर करेंसी को छाप सकती थी। उसके बाद क्या होता है कि आपका 1934 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके द्वारा आपका जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। और इसके जो सेक्शन 22 है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन 22 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो आरबीआई है उसके पास मोनोपोली है टू इशूइंग पेपर करेंसी। मतलब पेपर करेंसी होती है किसी इंडिया की करेंसी है जो है उसका जो प्रिंट करने का अधिकार है, एकाधिकार है, वो सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो एक तरह से ये मोनोपोली है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद ये आप जान सकते हो कि पहले क्या था, पहले जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मोनोपोली था नोट छापने में, लेकिन अब जो है सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है मोनोपोली है नोट छापने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो पहला नोट छापा गया था वो 5 रुपये का नोट था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 1938 में छापा था और इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जॉन द सिक्स
जो है उनको पोर्ट्रेट किया गया था। तो देख सकते हो जैसा कि आप लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट करेंसी वाज इश्यूड बाय आरबीआई इन जनवरी 1938 एज अ 5 रुपीज बियरिंग किंग जॉर्ज 6 पोर्ट्रेट। तो ये आपका था। अब चलिए आगे देखते हैं कि हम और क्या क्या हुआ है इसमें डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर दैट ₹10 ₹100 ₹1000 एंड ₹10000 इश्यूड इन फरवरी से जून। तो आपका जो फरवरी से जून के बीच में जो 1938 का पीरियड था उसमें आपके 10 रुपये के, 100 रुपीज़ के, फिर 1000 के और उसके बाद फिर 10,000 रुपीज़ तक के नोट जो है छापे गए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का नोट था सबसे बड़ा जो है डिनोमिनेशन था उस टाइम पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें उसके जो है जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका 10,000 जो है मैक्सिमम डिनोमिनेशन का नोट छाप सकती है। मतलब 10,000 का मैक्सिमम नोट जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास छापने का अधिकार है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो उसमें आपका है 12 अगस्त 1946 को जो है पहली बार आरबीआई ने जो है नोटों का जो है डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, जिसमें आपके 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जो है बंद कर दिए गए थे। तो ये पहली बार जो है डिमोनेटाइजेशन का टाइम था इंडिया में 12 अगस्त 1946 को। उसके बाद क्या हुआ आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है आपका 1950 जो 1950 है उसमें पहली बार जो है कॉइन इश्यू किए गए थे। और ये था आपका आज़ादी के बाद पहली बार जो है कॉइन इंडिया में छापा गया, और ये छापने वाली थी आपकी इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है आपका 1954 में जो है आपका री इंट्रोडक्शन ऑफ नोट्स ऑफ ₹1000 ₹10,000 एंड ₹5,000। तो जो आपका 1946 में जो आपके 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे, 1954 में फिर से उनको स्टार्ट कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, पहले 1000 का, फिर उसके बाद आपका 5000 और 10,000 का नोट छापा गया। 5000 का नोट इसमें पहली बार छापा गया क्योंकि 5000 का नोट इससे पहले नहीं छापा गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है 1957 में जो है आपका पहली बार जो 1 रुपया होता है उसको 100 पैसे के बराबर नापा जाता है। पहले क्या था आपका रुपए का कुछ अलग मापते थे अपन, उसको जैसे आने में नापते थे, एक रुपये में 16 आने होते थे और फिर 58, 54 तो आप जानते ही हो। तो इसके हिसाब से जो है रुपए को जो है डेसिमल में लॉन्च किया गया और पहली बार 1 रुपये को 100 पैसे के बराबर माना गया। ये आपका हुआ था 1957 में। 1957 इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपका 16 जनवरी 1978 को जो है डीमोनेटाइजेशन फिर से होता है, जिसमें आपकी 100 रुपीज़ की जो ऊपर की सारी करेंसी जो है बंद कर दी गई थी। तो इसका जो मेन पर्पज़ था, जो उस टाइम पे ब्लैक मनी जो आ रही थी कंट्री में, उसको जो है रोकने के लिए किया गया था। और इस टाइम पे जो आपकी सरकार थी वो थी आपकी मोरारजी देसाई की सरकार थी, और जो 100 रुपीज़ से बड़े जितने भी नोट थे सबको जो है बंद कर दिया गया था। तो ये आपका 16 जनवरी 1978 में हुआ था। उसके बाद जो है आपका ₹500 बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 97 विद द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी। तो आपका जो है महात्मा गांधी के जो पोर्ट्रेट छाप के जो है 500 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर 1987 में। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी जो है आपका 1969 में एक बार गांधी जी का नोट छप चुका था, जब उनकी जो है जन्म शताब्दी थी। 1869 में उनका जन्म हुआ था और 1969 में जो है पहली बार गांधी जी का जो है नोट पे नाम आया था और उनकी फ़ोटो भी आई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि अक्टूबर 1987 में जो है पहली बार जो है बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एज अ करेंसी। और इसकी जो सीरीज होती है, मतलब नंबर ऑफ नोट्स, मल्टीपल नंबर ऑफ नोट्स पहली बार जो है 1996 में जो है छापे गए थे। उसका जो है आपका अभी जो अपन बात करेंगे तो जो इंडियन रुपीज़ का जो साइन है वो कैसा है। तो आपका जो मैंने बताया पहले भी कि आपका जो आर लिख के र लिख के उसको ऊपर से काटा गया है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है INR यानी इंडियन नेशनल रुपी है। और इस करेंसी को डिज़ाइन करने वाले थे उदय कुमार थे, ये आपके IIT गुवाहाटी में प्रोफेसर है अभी। और 15 जुलाई 2010 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो है एक्सेप्ट किया था इस सिंबल को, और इसका जो सिलेक्शन हुआ था वो ऑनलाइन कंपटीशन के थ्रू हुआ था।
उसके बाद ये सब आप ये तो आप जानते ही होंगे कि 8 नवंबर 2016 को जो है मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो है 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो है बंद होने वाले हैं, और जिनके जिनके घर में पड़े हुए हैं वो ला के बैंक में जमा कर दें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका जो है नया 500 और फिर 2000 रुपये का नोट जो है आपका जो है चलन में आ गया। तो ये था जो आपका मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, हिस्ट्री में जो आपका पोर्शन हो गया करेंसी के बारे में वो मैंने आपको बताया। अब मैं आगे बात करूंगा कि जो इंडियन करेंसी है उसमें कैसे कैसे नोट हैं जिनसे आप परिचित होंगे, आप उनको रोज़ ना रोज़ कहीं ना कहीं देखते ही होंगे। तो चलिए उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं उनको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या है वो। तो पहले मैं बात करूँगा जो 2000 रुपये का नया नोट है। तो 2000 रुपये का नया नोट जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर उसकी फ़ोटो लाया हूँ आपके लिए, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी, फिर आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर लिखा हुआ है जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। ये नंबर यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप असली नोट देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है पोर्ट्रेट बना हुआ है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो है होती हैं नोट में स्पेसिफिक होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका एक बक्से में जो है कई सारी लैंग्वेज लिखी हुई हैं, ये सभी इंडिया की रीजनल लैंग्वेज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये 2000 रुपये का नोट है उसकी जो वैल्यू अभी अभी है सबसे ज़्यादा है, सारे जो रुपए के नोट हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू 2000 रुपये की नोट की है। और इसका जो कलर है वो आपका मैजेंटा कलर है। मैजेंटा कलर जो है आपका गुलाबी के आसपास होता है थोड़ा। और इसमें जो आप देखोगे इमेज देखोगे तो ये इमेज आपका जो है मंगलयान का है। मंगलयान जो है इंडिया का जो है स्पेस मिशन है मंगल में जाने, मंगल ग्रह पे जाने के लिए। और इसकी जो फ़ोटो है आपको मिलेगी 2000 रुपये के नोट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2000 रुपये पे नोट पे जो आपका रहेगा वो आपका मंगलयान का रहेगा। उसके बाद जो है आपका इस पर लोगो लगा हुआ है वो है आपका स्वच्छ भारत अभियान का, इसमें गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये लिखा हुआ है आपका इधर आपका जो वाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है वो 66 mm यानी कि 66 मिलीमीटर है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो वो 166 यानी कि 166 मिलीमीटर है। अगर हम बात करें कि कितनी लैंग्वेजेस इस पर मैंशन है, तो टोटल 17 जो हैं लैंग्वेजेस जो है मैंशन है इस 2000 रुपये के नोट पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इन जो आपकी 15 लैंग्वेजेस हैं सारी जो है रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। उसके अलावा जो आपकी दो जो है नेशनल लेवल की जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश वो आपको अलग से मिल जाएगी। तो आप टोटल जो है आपकी 15 + 2 = 17 लैंग्वेजेस जो है आपकी 2000 रुपये के नोट पे मिलेंगी। और पहली बार जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 8 नवंबर 2016 को, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला नोट कौन सा है। तो आपके बाद 2000 के बाद आपका जो अगला नोट आता है वो आपका है 500 रुपये का नोट। 500 रुपये के नोट पे भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी जैसे गांधी जी हो गए यहाँ पे। फिर आपका जो है यहाँ पे एक नंबर मिलेगा जो स्पेसिफिक नंबर होता है हर नोट के लिए, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गांधी जी के बगल में यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अगर आप नोट को पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पे फिर से एक जो आपका लाल किला है उसकी फ़ोटो मिलेगी, और यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस लिखी हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो जो कलर है आपका 500 रुपये का के नोट का वो है आपका स्टोन ग्रे, यानी कि जो ग्रे रंग का पत्थर होता है उसके कलर का लगभग ये कलर है स्टोन ग्रे। और इस पर जो आपकी इमेज बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में है आपका, जहाँ से जो है अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे को जो है ध्वजारोहण करते हैं। उसके बाद जो आपका इस पर लोगो बना हुआ है वो फिर से जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान का बना हुआ है, जिसमें गांधी जी का चश्मा है और नीचे लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। उसके बाद आपका जो है इसके डायमेंशन है उसमें आपका 150 mm इसकी जो है लंबाई है, और आपकी चौड़ाई है 66 mm, 66 mm जो है चौड़ाई है। और इस पर भी जो है 17 लैंग्वेज जो हैं लिखी हुई हैं, और 8 नवंबर 2016 को पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके बाद देखते हैं अगला नोट कौन सा है। तो आपका जो 200 का नोट है वो देख सकते हो आप, ये भी दिखने में लगभग सेम ही है, लेकिन इसके जो पीछे जो ये जो बना हुआ है आपका वो सांची स्तूप बना हुआ है। सांची स्तूप आपका MP में है, और भी बाकी चीज़ें जो हैं आपकी लगभग सेम ही दिखेंगी आपको।
जो पहले के नोट है जो अभी का नोट है। तो जैसे कि मैं बात करूँगा अगर कलर की, तो आपका जो है इस पर ब्राइट येलो कलर लगा हुआ है, जो येलो कलर होता है ब्राइट, थोड़ा ब्राइट मतलब थोड़ा डार्क। और इसमें जो है आपका ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नोट पे ये कलर। और उसके बाद जो है आपका इस पर इमेज बनी हुई है, वो आपका है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है जो MP में है। उसके बाद जो है आपका लोगो, लोगो फिर से इसमें जो आपको मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान का। और इसके डायमेंशन की बात करें तो 66 mm इंटू 146 mm, लंबाई 146 mm है और चौड़ाई आपकी जो है 66 mm है। और इस पर भी आपको जो है 17 लैंग्वेजेस मिलेंगी। और इसका जो पहली बार अपीयरेंस हुआ था 25 अगस्त 2017 को हुआ था। तो ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हो गई डायमेंशन की। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डायमेंशन है, जो अभी नए नोट आ रहे हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 66 mm आपको मैक्सिमम केस में मिलेगी, खाली जो है लंबाई वेरी कर रही है। जैसा कि आप पिछले में देखा होगा आपने, जैसे इसमें देख लीजिए आपका होगा 66 into 166 mm, और इसमें है आपका 66 into 150 mm, और आपका जो है 66 into 146 mm। तो आपकी जो है चौड़ाई तो सेम रह रही है लेकिन लंबाई जो है वो चेंज हो जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद जो आपका आता है 100 rupees का नोट, 100 rupees का नोट जो है आपका, उसका जो कलर है वो लेवेंडर है। लेवेंडर जो आपका होता है वो लगभग ब्लू के जो है आसपास होता है। और इस पर जो इमेज बनी हुई है वो आपकी रानी की बाव है। ये एक जो है हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट है अपने इंडिया का। और ये जो है आपका पाटन गुजरात में मिलेगा आपको। और इस पर जो लोगो लगा हुआ है वो भी स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा, और नीचे लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। और इसके डायमेंशन भी आपको मिलेंगे 66 mm इंटू 142 mm। तो आपका ये हो गया 66 into 142 mm। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इस पर भी आपको 17 लैंग्वेजेस मिलेंगी। और जैसा कि डायमेंशन देख सकते हो आप, आपका जो है 66 mm इंटू 142 mm, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले की तरह ही है। अगर बात की जाए कि पहली बार ये नोट कब चलन में आए थे, तो आपका जो है जवाब होगा 19 जुलाई 2018 को, यानी पिछले ही साल जो है जुलाई के महीने में 19 तारीख को जो है पहली बार जो है 100 रुपये के नोट नए वाले चलन में आए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके बाद पहले पुराने नोट यूज़ कर रहे हो तो वो भी अभी चलन में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो आपके 100 रुपये के, 50 रुपये के, और भी आपके फिर आपके 10 रुपये के नोट जो पुराने वाले हैं वो भी अभी चल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। लेकिन जो आपका 500 और 1000 का नोट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, जो आपका 8 नवंबर 2016 से। और इसका पर्पज़ था आपका जो आपका ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिए किया गया था ऐसा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 50 रुपये का नया नोट है वो कैसा दिखता है। तो आपका जो 50 रुपये का नोट आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको जो ये है इस कलर में दिखेगा यहाँ पे आपको। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं सिमिलियर हैं पहले की ही तरह। और इसमें जो है आपका कलर है इसका है जो है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू, ये ब्लू के थोड़ा आसपास है कलर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये कलर है आपका। और इसमें जो है आपका हम्पी चैरियट जो है आपका, जो हम्पी एक साउथ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर जो है टेंपल है, उसका जो है फ़ोटो लगा हुआ है इसमें। और स्वच्छ भारत अभियान लोगो इस पर भी लगा हुआ है। और इसका जो है इसमें भी गांधी जी का चश्मा और आपका एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसका भी डायमेंशन जो है आपका 66 mm जो इसकी जो है आपकी चौड़ाई है, और 135 mm जो है लंबाई है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इस पर भी जो है 17 लैंग्वेज हैं, 15 जो है रीजनल हैं, और 2 आपकी जो है जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश हैं वो हो गई। और 18 अगस्त जो है 2017 को पहली बार जो है 50 रुपये का नया वाला नोट जो है अपीयरेंस में आया था। तो ये तो आपका हो गया 50 रुपये का नोट। अब देखते हैं अपना 20 रुपये का नोट जो अभी चलन में है। तो 20 रुपये का जो नोट है आपका वो बहुत पहले से चला आ रहा है। आप जब से दुनिया में आए हो तब से आपने ये 20 रुपये का नोट देखा ही होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में। और ये जो आपका है 20 रुपये का नोट है, ये आपका रेड ऑरेंज कलर का है। और इस पे जो पीछे आपका पोर्ट्रेट बना हुआ है वो आपका माउंट हैरियट है, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में उसका बना हुआ है। और इसके डायमेंशन है आपके 63 mm इंटू 147 mm। और 15+2 जो है आपका टोटल लैंग्वेजेस हैं इस पे, यानी 17 लैंग्वेज इस पे भी लिखी हुई हैं। और 2001 में पहली बार ये नोट जो है चलन में आया था। और ये नोट उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो इसके पहले मैंने नोट बता रखे हैं
वो कई एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में आपको डायमेंशन और फिर कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, आपको सारी याद रखनी है एज इट इज। उसके बाद जो आपका 10 रुपये का नया नोट है, इसके बारे में भी आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 रुपये का जो नया नोट है वो भी बाकी पुराने नोटों की तरह ही सेम है, लेकिन इस पर जो है आपका कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है। ये जो है आपका चॉकलेट होता है ब्राउन कलर का, उसका जो है आसपास का कलर है। उसके बाद जो है आपका इमेज इस पर जो है सन टेम्पल कोणार्क, जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसका जो है पोर्ट्रेट बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो इस फोटो में। और इसका जो लोगो है उस पर भी स्वच्छ भारत अभियान और गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। और इसके डायमेंशन की बात की जाए तो 66 mm जो है आपका वो चौड़ाई है, और 123 mm जो है आपकी लंबाई है। और इस पर भी है आपका 17 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। और इसका जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था वो आपका 5 जनवरी 2018 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। डायमेंशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो 66 mm है वो कॉमन है हर जगह, खाली ये जो है वेरी कर रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है नोट देखते जा रहे हो तो। लेकिन जो पुराने वाले नोट जो है 20 के, उसमें आपको ये 63 mm मिलेगा। तो ये था 10 के नोट के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 5 का नोट कैसा है। एक 5 का नोट भी आप एक रफ आइडिया देख सकते हो, और आपका जो है 1 रुपये का नोट इसको भी आप देख सकते हो। ये जो है ये भी नोट जो है चलन में है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके आपके जो 1 रुपये से बड़े जितने भी नोट हैं, तो जो आपका 1 रुपये का नोट होता है जिसको आपका जो है फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं, लेकिन 1 रुपये से बड़े जितने भी नोट हो गए, 2 रुपये, आपके 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 2000, ये सारे नोट जो हैं इस पर आपके जो हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, अभी कौन है, शक्तिकांत दास हैं आपके आरबीआई के गवर्नर, और इसके पहले जो थे आपके जो आपके उर्जित पटेल थे वो गवर्नर थे, तो इनके जो हैं आपको सिग्नेचर इन नोटों पे मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ये बात कि जो है आपका 1 रुपये का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और जो आपका जो है उससे बड़े नोट जितने भी हैं आपके वो आरबीआई इशू करती है। तो ये था आपका नोट के बारे में। अब आपको मैं जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके नोट्स कहाँ कहाँ छपते हैं। तो आपके जो नोट्स हैं वो आपके छपते हैं नासिक जो आपका महाराष्ट्र में है, देवास MP में है, मैसूर आपका कर्नाटका में है, और सालबोनी आपका वेस्ट बंगाल में है। ये 4 जगहें हैं जहाँ पे जो भी प्रिंटिंग और उससे भी रिलेटेड जो भी एलाइज सेक्टर हैं वहाँ पे काम होते हैं, और इन चारों सेंटर पे जो है आपका इंडियन जो है रुपीज़ जो है छपती रहती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके ध्यान में रखनी है, ये आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।